मुझे, मैं एक एक को सबक सिखाऊंगा। छोड़ो मुझे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे। कौन है ये, इतना क्यों चिल्ला रहा है? स्वामी जी, ये मेरा बेटा है। स्वामी जी, बचपन से ही ये पी रहा है। स्वामी जी, अभी से शराब की ऐसी लत लग गई है, ये उसका गुलाम बन गया है। मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनता, पीने के बाद तो हंगामा करता है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। इसकी हरकतों से तंग आकर इसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। स्वामी, कल जो हुआ उसे सोचती हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है। पीता तो है, लेकिन इतना ही नहीं, कल अपने बच्चे को भी ये शराब पीने के लिए दे रहा था। स्वामी जी, अभी से आप ही सुधार सकते हैं। कोई तावीज पहना दीजिए, इसको सद्बुद्धि दीजिए। स्वामी जी, अरे नहीं स्वामी जी, इसे खोल दिया तो ये इंसान नहीं जानवर बन जाएगा। स्वामी जी, हाँ मैं हूँ, हमारे प्रभु भी हैं। खोलो इसे, इसे खोल दिया। मैं आराम से शराब पीकर लेटा हुआ था, तू मुझे बांध कर मंदिर ले आई और इस पुजारी को बोलकर मुझे ताबीज पहनाई कि मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे कुछ मत कहना। इधर आ, बहुत उछल रहा है, बैठ। तेरा उछलना बंद कर दूंगा, अभी तू जानता नहीं है। स्वामी जी, मत मारिए। कौन सा पाप किया है मैंने? बस शराब भी तो पीता हूँ मैं, देवता भी शराब पीते हैं, हजारों लोग शराब पीते हैं। बोलो क्या गलती की है मैंने? तो जानता नहीं है ऐसी ऊंची आवाज में पीने की बात करने वालों का क्या अंजाम होता है? संदिल, अप्पू, अमावस, ये तीनों बहुत बड़े शराबी थे। इन्हें सुधारने के लिए उनकी माँ इन तीनों को यहाँ लेकर आई थी। बोलो बेटी। स्वामी, ये मेरा बेटा है और ये दोनों इसके दोस्त हैं। ये लोग रोज शराब पीकर बहुत बवाल करते हैं, बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। मुझे मेरी पड़ोसी ने बताया कि यहाँ आकर तावीज बांधकर कसम खाने से शराब पीना छोड़ देते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, कुछ तो कीजिए स्वामी जी। ए, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सेंदिल है, ये अप्पू है और ये अम्मा। क्या कहा अप्पू अम्मा? ए, क्या कह रहा है ये? ठीक से जवाब देना। पुजारी जी, आप घबराइए मत, ये मेरा दोस्त अप्पू है, हम इसे अप्पा कहते हैं, और ये है अमावस, इसे हम प्यार से अम्मा कहते हैं। देखा जाए तो ये मेरे बाप की तरह है और ये मेरी माँ की तरह है, क्योंकि यही मुझे शराब पिलाता है और इसने मुझे ये सब सिखाया है। तुम क्या करते हो? हम लोग पीने वाले हैं महाराज। ये कोई काम है? कितना पीते हो? खुद के पैसों से पीनी हो तो क्वार्टर, कोई पिलाने वाला मिल जाए तो फुल पी सकते हैं। मुफ्त में मतलब? पुजारी जी, शराबी तीन तरह के होते हैं, गैरतमंद शराबी, बेशर्म शराबी और मुफ्तखोर शराबी। गैरतमंद अपने पैसों से पीता है और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है और पी करके आराम से घर में सो जाता है। उसके शराब पीने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। नशे में इतना चूर हो जाए कि उसे किसी भी चीज का पता न चले और सड़क पर बेसुध होकर पड़ा रहे, उसे ही बेशर्म पीने वाला कहते हैं महाराज। शादी हो या मुंडन हो, गोद भराई हो या चाहे किसी का जन्मदिन हो, गांव में कोई भी फंक्शन हो, फिर चाहे बस की सुविधा हो या ना हो, मगर पद यात्रा करते हुए जो वहां पर पहुंच जाए और पीकर टुल हो जाए, उसे कहते हैं मुफ्तखोर शराबी। पहले समय में तीन फसल काटते थे और तुम तीन तरह के शराबियों की बात कर रहे हो? कब कब पीते हो तुम लोग? हम तो चाहते हैं कि दिन के 24 घंटे ही पिए, लेकिन ये दुकान दोपहर 12 बजे खोलकर रात को 10 बजे बंद कर देते हैं, इसीलिए हम दोपहर 12 से रात के 10 तक ही पीते हैं। देखो, शराब पीना बंद करना होगा। शराब बनना बंद हो जाएगी, शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, तभी हम पीना बंद करेंगे। ए, तुम जानते हो किससे बातें कर रहे हो? पता ये कहाँ के राजा है? शमशान के राक्षसों के। उन्हें कभी देखा है तुमने? अच्छे अच्छे हिल जाते उन्हें देखकर। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसी बातें करते उनके सामने? ए, तुम तो मरकर शमशान आओगे, लेकिन उसका जन्म ही शमशान में हुआ है। जानते हो वो क्या खाते हैं? लाश, लाश खाते हैं वो, लाश। तुम्हें लगता है मेरे प्रभु अकेले हैं? कभी देवता, कभी राक्षस, कभी अवघर, नरपिशाच, निशाचर, हमारे प्रभु अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं, समझ गए? उनके सामने तुमने पीने की बात की तो तुम्हारी जान ले लेंगे वो। क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? बोलो, आज के बाद से नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे महाराज, नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे महाराज। ठीक है, कितने मंडल तक पिए बिना रहोगे? क्या कहा, कमंडल? लोटा भी चलेगा महाराज। ए पागल, कमंडल नहीं, मंडल। एक मंडल का मतलब 48 दिन। कितने मंडल तक नहीं पियोगे तुम? पुजारी जी, कम से कम 10 मंडल नहीं पियेंगे। आप तावीज बांधिए। खड़े हो जाओ। हे प्रभु, अब मेरे साथ बोलो,
भगवान की कसम खाते हैं, हम आज के बाद कभी नहीं पियेंगे, कसम खाओ। हे प्रभु, हाथ दिखाओ। अब आज के बाद नहीं पियेंगे ये, अब जाइए। ठीक है स्वामी जी, चलो बेटा। हे प्रभु, आप इनकी रक्षा करना। हे भगवान, आप तो सभी की रक्षा करते हैं, हम तो डर गए थे कि आज की रात कहीं भूखा ना सोना पड़े। आपने बचा लिया, आपने बचा लिया भगवान। गॉड इज ग्रेट। जो पेड़ देता है वही पानी देता है, इसी शक में जी रहे थे हम लोग, आपने हमारा शक दूर कर दिया। गॉड इज लव। ए अम्मा, जिस काम से आए थे उसे पूरा करो। हाँ। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ए, बहुत भारी है ना? ऐसा भार मुझे अच्छा लगता है। चलो चलो आओ। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी चलो, कहीं कोई देख ना ले। चलो चलो जल्दी। गॉड इज लव, ईश्वर ही प्रेम है, ईश्वर ही प्रेम है, ईश्वर ही प्रेम है। अब आएगा मजा, आज आएगा मजा। लाला मुझे दे, जल्दी दे। गॉड इज लव। सुन, तीन फुल हाँ, दो चिल्ली चिकन ओके, दो पेपर चिकन ओके, छह ऑमलेट हाँ, 17 पराठे हाँ, ठीक है। फिर तुम क्या खाओगे? ठीक है, 75 पराठे हाँ, और मेरे लिए पानी का पैकेट, और तुम्हारे लिए हमेशा की तरह विदेशी कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, और तेरा? लाला ठीक है, जो करना है ये ले, जो भी लाना है जल्दी लेकर आना। रुक रुक, क्या हुआ? हमने वहाँ कसम खाई थी कि शराब नहीं पियेंगे और ताबीज भी बांधा था, ये सब तो गलत है ना यार। अरे सीधे हाथ में ताबीज बंधा है, लेफ्ट से तो पी सकते हैं मेरे लेग पीस। ए, इसे उतार कर पियो बेवकूफ। क्या रे, कितनी बार का नीचे गिराए बिना पिया कर। अब देख, एक राउंड में 10 बूंद, इसका मतलब 4 राउंड में 40 बूंद गिरी, इसका मतलब एक महीने में 1200 बूंदें गिरी, फिर पूरे साल में 15,000 बूंद गिरी। ये गलत बात है, समझा कि नहीं? देख कर पिया कर, बूंद बूंद पे उसको पीने वाले का नाम लिखा होता है, इस पे हमारा नाम लिखा हुआ है। अब तो देख कर पिएगा ना? गुड बॉय, ये ले पी। ये ले, आराम से। ए, तुम जानते हो प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है जानते हो क्या? नहीं पता। इसको देखना, इसको शांति से पीने के लिए कहा तो ये प्यार की बातें कर रहा है। ठीक है भगो, प्यार वो होता है जिसमें शादी से पहले एक दूसरे से शादी से पहले कहते हैं मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं, और शादी के ठीक बाद आज के बाद या तो तू नहीं या फिर मैं नहीं, समझ गए कि नहीं? बहुत बढ़िया। लगता है नकली शराब थी, तभी पीते ही लुढ़क गया। मेरे साथ आजा भाई, मुझे ना डर लग रहा है। डर की बात तो ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर मत कर देना, चुप कर करना।
कुछ भी को पी के मजा आ गया। हेलो। अरे भाई, शराब पीकर कहाँ पर पड़े हो? मैं पूछ रहा हूँ, कुछ जवाब तो दो, कहाँ पड़े हो? अरे बोलो ना। अरे रात पर छी, रात पर इस पे पड़ा था मैं। यार अपनी ही मूड पर पड़े रहना बहुत सौभाग्य होता है, मैंने सही में कहीं सुना है। ए सुबह सुबह शुरू मत हो जा। अमावस कहाँ है? अमावस कौन? अमावस ए ओ अपना दोस्त, वो तो अंदर ही है यार। चल अंदर चल। अमावस 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 ए अमावस 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 कहाँ चला गया? ये सब क्या है? भगवान। क्या कहा? भगवान? हाँ, भगवान जब शिकार के लिए जाते हैं तो राक्षसों को ऐसे ही दावत देते हैं। मनुष्य के खून को भात में मिलाकर चढ़ाते। तो ये यहाँ पर क्यों है? ए, भगवान यहाँ रात को आए थे। तो इसका मतलब अमावस? उसे फोन लगा। This number is currently switched off. यार उसका नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा है। मुझे लग रहा है अमावस को कुछ हो गया है यार। ए, उसे कुछ नहीं होगा, चल देखते हैं। अमावस 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 ए चल उधर देखते हैं। चल देखते हैं। अमावस अमावस चल आगे देखते हैं। ए अमावस 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 कहाँ गया? अमावस अमावस ए पता नहीं कहाँ चला गया। ए उसी का फोन है। इसका मतलब वो ठीक है, उससे बात करना, वो ठीक होगा। ए अमा कहाँ है तू? अरे यार मुझे माफ कर यार, मैं बिना बताए चला आया। मेरे मामा का बेटा ना विदेशी लाया, पूरा फुल, जल्दी से आ जाओ। फुल लाया है? उसने कहा कि आकर ले जाए, इसीलिए मैं चला गया। तुम लोग सो रहे थे इसलिए मैंने तुमको उठाया नहीं। सुनना साथ में डिश भी लाया है वो। वाह यार। अबे तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, अभी तक रात का नशा उतरा नहीं है क्या? जल्दी चलो बेवकूफो, चलो जल्दी। ए फोन काट दिया। देख हम लोग गरीब लोग हैं, फॉरेन जा तो नहीं सकते, पर वॉरेन का ब्रांड तो पी सकते हैं ना। कुछ भी कहकर काम मत खराब करना यार। क्या बकवास कर रहा है, चल। है।
वो देख सामने अमावस खड़ा है। ए, अमावस। ए, अमावस। ए, ऐसे मुंह मोड़ के क्यों खड़ा है? ए, अमावस। अमावस? बात क्यों नहीं कर रहा है यार? तेरे बालों को क्या हुआ? कुछ अलग से लग रहे हैं। ए अमावस, कहाँ है तू? अरे यार, एक दूसरा दोस्त मिल गया था तो उससे मिलने में चला गया। तुम लोग जल्दी से कुएं के पास आ जाओ, जल्दी करो। ए ए अमावस, ए ओहो, ए उसके पास अगर माल है तो हमें ऐसे घुमाएगा क्या? दोस्त है हम लोग, कब से भगा रहा है यार। संदिल चलना, हम लोग चलते हैं यहाँ से। अबे चल 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 चल। अब क्या करें, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। फोन लगा उसे। ए, उसी का फोन है रे। बात कर। ए अमावस, तू कहाँ है? ये सब क्या कर रहा है तू? तू जिस कमरे में लेटा था वहां नहीं मिला। वहां खून से सने चावल पड़े थे। अप्पू कह रहा था कि निशानों से पता चलता है वहां भगवान आए थे। सुबह तुमने शराब पीने के लिए बुलाया, वहां गए तो एक भूत लटका था। रुककर बात कर रहे थे तो ऊपर से फरसा लटका। अब तूने कुएं के पास आने के लिए कहा, यहाँ आए तो तू यहाँ भी नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। पूरी बोतल एक बार में पियोगे तो भूत नहीं दिखाई देगा तो क्या दिखेगा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि माँ का फोन आ गया। तुम दोनों शुरू करो, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, मेरे लिए पानी मत लाना, मैं नीट मारूंगा, समझे? ए, वो कह रहा है शराब नीचे रखिए, शराब का लालच छोड़ते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं। रुक रुक रुक, मेरी बात सुन, मैं देख क्या था। हे, अमावस जबान का पक्का है, जैसा कहा उसने कर दिया। वाह मेरे दोस्त अमावस, माल यहाँ रखा है। चल चल जल्दी चल। अरे गाड़ी स्टार्ट कर। अप्पू यहाँ से, अभी ये सब देख कर चल यहाँ से भाग। ए, यार अप्पू, हम लोग जा कहाँ रहे? ए, यहीं आसपास मेरे मामा जी का घर है, हम लोग वहीं चलते हैं। वो बहुत बड़े आदमी है यार, मैं कह रहा हूँ ना, मामा जी के यहाँ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही है मेरे मामा जी का घर। आ जा आ जा, यही है मेरे मामा जी का घर। यहाँ तो कुछ अजीब सा लग रहा है। अभी देख क्या रहा है, चल अंदर आ। मामा जी, अरे आना। मामी जी, सब लोग कहाँ चले गए यार? मामा जी, मामा जी, मामा जी, आप यहाँ हैं? क्या बेटा, डर गए क्या? मामा, ये मेरा दोस्त है सैंदिल। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और बताओ, अचानक कैसे आना हुआ? मामी भी मायके गई है। और बताओ क्या खाओगे? वो सब रहने दीजिए मामा जी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, आप ही उससे बचा सकते हैं।
क्या बेटा, तुम भी आज के जमाने में भगवान का पीछा कर रहे हो, दोस्त को उठा कर ले गए ऐसी कहानी सुना रहे हो? अरे आपका दोस्त कहीं नशे में धुत पड़ा होगा, चिंता मत करो, लोकल इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, उसे ढूंढ कर ले आएगा। बेटा ये तुम्हारा ही घर है, आराम से रहो, नहा धोकर कपड़े बदल लो, तब तक मैं खाना लाता हूँ, आराम से बैठकर खाएंगे। हैं? ठीक है मामा जी। क्या रे, तेरे मामा जी बहुत अच्छे इंसान है। हाँ हाँ। ऐसा लगता है जैसे हमारी पुरानी पहचान है। तुम्हारे मामा का नाम क्या? मुत्तू, सोडले मुत्तू। सोडले मुत्तू? हाँ, तो इतना घबरा क्यों गए? पहले तू एक बात बता, पहले तू नहाने जाएगा कि मैं जाऊं? पहले मैं जा रहा हूं। ठीक है। ये क्या, ये कमरा तो पूरा खाली है। सुन, मुझे लगता है बाथरूम वहां है। अरे हाँ यार, आओ। ये क्या, चल यहाँ, दरवाजा बंद कर। ए, ये क्या है? मामा ने तो कहा था अंदर कपड़े हैं, पर वहां तो मुर्गा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा जी तो कह रहे थे कि मामी मायके गई हुई है, वो बच्चों को कहीं भूल के चली गई क्या? ए, वो बच्चा है, पर्स नहीं कि भूल कर चले गए। आवाज उस कमरे से आ रही है। हाँ यार, संभल के। ए, ये कमरा तो खाली है, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज तो आ रही थी ना। ए, वो देख। नहीं यार, रुक जा। रुकना, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। तू अपने मामा को फोन लगा। यार मेरा फोन नहीं मिल रहा है। क्या कहा, फोन नहीं लग रहा? हाँ यार, एक काम कर, अपने फोन से मिला। ए, मेरा फोन भी नहीं है। ए, भाग कर आते समय कहीं गिर तो नहीं गया ना? ए, मेरे फोन की आवाज अंदर से आ रही है। हाँ यार, ए, मेरे फोन की आवाज भी अंदर से आ रही है। हाँ। ए, नहीं यार, चलना। ए, ए, वहां देखना यार, वहीं पर है। ए, यहां मेरा फोन है, उसके बिना कैसे रहेंगे? मैं लेकर आता हूं, तू यहीं रुक। चल भाग यहाँ से, चल भाग, बे चल, निकल यहाँ से, अगर एक मिनट भी रुके ना तो हम लोग सीधे घर पहुँचाएंगे। हाँ हाँ, चल बाहर चल। ए, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर ना आ जाए। अब क्या करें, कोई और रास्ता तो नहीं यहाँ अंदर आने का? ए, ए, पकड़ लिया। ए, जल्दी कर, पीछे ना आ जाए। चल चल, आ जा। इसे बंद कैसे करें? सुन, वो लकड़ी उठा, जल्दी ला, लगा, जल्दी ला, लगा, 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 लगा,
ठीक से दबा दे। कोई आवाज सुनी आ रही? मेरा नाम अमावस है। सर रोते हुए आए हैं, सब रोते हुए ही जाएंगे, वो गाना सुनना है। मैं अपने दोस्त सैंडिल और अप्पू को डेडिकेट करना चाहता हूँ। वो अगले आधे घंटे में मरने वाले हैं सर। मुझे मरे हुए 24 घंटे हो गए हैं सर। मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर नीचे इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। अरे नीचे आ जाओ ना बेटा। संभल कर आना, सीढ़ी कमजोर है। आ जा, आराम से आराम से। हाँ आराम से आराम से। क्या बेटा इस उम्र में आंख मिचोली खेल रहे हो? हैं? सर हम आंख मिचोली नहीं खेल रहे हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर एक मिनट भी रुके तो हमारी खैर नहीं है। बेटा ऐसा क्या हो गया जो इतने डरे हुए हो? मामा जी जब आप खाना लेने गए थे उस समय कहा था ना कि नहाकर कपड़े बदल लें। हाँ तो मामा वो बकरी कुत्ता मुर्गा सब भगवान से जुड़े हुए हैं मामा। बेटा अपना घर किले की तरह है, यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलो मेरे साथ। अच्छा तुम कह रहे थे कहीं फांसी का फंदा दिखा था, जरा दिखाओ तो। दिखा दिया तो उस पे लटक जाओगे क्या? कहाँ है फांसी का फंदा? कहाँ गया रे? रेडियो कहाँ है? ये भी नहीं है। तो बकरा यहाँ था। यार यहाँ भी नहीं है। क्या तो बर्तन पड़े हैं बेटा। हमारे फोन भी गायब हो गए हैं। हैं? सेल फोन गायब है? ये क्या है? हैं? और ये? ये कैसे हुआ? पता नहीं। बहुत डरपोक हो तुम दोनों। डर दूर करने का एक ही रास्ता है, वो है ब्रांडी। आओ मेरे साथ, दो पैग लगाओगे डर निकल जाएगा। सर 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 हम नहीं पियेंगे सर, पहले ही पीने की वजह से बहुत परेशानी झेल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे अपना मुंह अपना पैसा अपनी मर्जी से पी रहे हैं हम, पीने से मना करने वाले भगवान कौन होते हैं? बात करते हो। अरे ये खाना पीना तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है बेटा। पुराने जमाने में भी सोमरस मदिरा पीते थे, जिंदगी का मजा उठाना हो तो थोड़ा पीना जरूरी है बेटा। ज्यादा मत सोचो, दो दो पैग मार जाओ, सब तुम लोग का भ्रम है बेटा, सब दूर हो जाएगा। देना यार थोड़ी। ए, हम लोग पहले से मुसीबत में है ना, बस खाली आज के दिन प्लीज मान जाना। मान जाना। ए, मामा बोलो। मामा जी चक दे फट्टे। चक दे फट्टे बेटा। आ,
जाते हैं। सर, मैंने शराब पी के गाड़ी नहीं चलाई, अपने घर पर ही हूं। एक लगाऊंगा, नीचे उतर, जल्दी कर, नीचे क्या कर रहा था ऊपर? सर, अप्पू कहाँ है? ए, जो मुझे पूछना था वो तू पूछ रहा है? तेरा दोस्त कहाँ है? अगवा करके रखा कि मार दिया? सर सर, मैंने उसे नहीं मारा, जरूर वन देवता ने मारा होगा। क्या कहा, वन देवता? ये देखिए सर, खून से रंगे केले। खून से रंगे केले? हाँ सर, वन देवता उन्हें खाते हैं, वो जरूर यहाँ आए होंगे, वही उसे उठा कर ले गए होंगे, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। ऐसी कहानियां मैंने बहुत सुनी है, अंदर करके सीधा कर दूंगा, सच बता। सर आप इनसे पूछिए, ये सब जानते हैं। क्या गुप्ता जी, आपसे पूछने को कह रहा है? ये दोनों सुबह ही आए थे, देखने में घबराए हुए लग रहे थे, बताया कि इनके दोस्त को वन देवता उठा करके ले गए, मुझे विश्वास नहीं हुआ इनके ऊपर, फिर इन दोनों को नहा धोकर आराम करने के लिए कहा, इनके लिए खाना लेकर आया, फिर हम खा पी करके आराम से सो गए, फिर सुबह जब मैं उठकर देखा तो ये सब हो गया था। मैं तुम दोनों को यहाँ सुला कर गया था, फिर तुम ऊपर कैसे गए? सर वो बहुत खर्राटे मार रहा था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरा नशा भी उतर गया था, इसलिए मैं ऊपर जाकर सो गया। सर आप मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दीजिए, नहीं तो वो वनदेवता मुझे भी मार डालेगा। लगता है हमें वनदेवता के मंदिर जाना पड़ेगा, तभी कुछ पता चलेगा। ए, तुझे पता है मंदिर कहाँ है? पता है सर। तो चल। दारा तुम पता करो कि आखिर माजरा क्या है। चल जल्दी चल। कहाँ है मंदिर? वहां पर सर, ये वही पुजारी है सर। सुनो पुजारी, ए पुजारी यहां पर आओ, इसके दोस्तों ने शराब ना पीने की कसम खा के ताबीज बनवाई थी, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, उसमें से दो गायब हैं। ए, इसने तुमसे पूछने को कहा, क्या चल रहा है ये? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सिर्फ उन दोनों को नहीं, आज देवता इसे भी उठा लेंगे। कसम तोड़ने वाले को समाधि मिलती है, जुबान पर कायम न रहने से मौत।
प्राण तोड़ने से प्राण जाते हैं। ये वन देवता का न्याय है, इसे आप नहीं बचा सकते, चले जाइए। ए, ज्यादा नाटक मत कर। तू इन्हें भूत की कहानी से डरा सकता है, लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। तू बार बार वन देवता कह रहा, तू जानता है कौन है वो? ये जितने भी वन देवता है वो सब अपने समय में मनुष्य ही थे, जिन्होंने कभी ना कभी किसी युद्ध में उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तुम्हें पता है जहाँ उनकी मौत हुई वहाँ उनके रिश्तेदारों ने एक पत्थर लगाकर उनकी आराधना की होगी। उनके इस बलिदान के लिए उन्हें भगवान माना होगा। एक बात समझ लो, वो भी एक मनुष्य ही थे। मेरे देवता के लिए एक भी शब्द कहा तो? वो एक मनुष्य ही थे। अब एक भी शब्द नहीं। ए, मैं जो कह रहा हूँ सुनो, वो मनुष्य थे, मनुष्य थे, मनुष्य थे। ये मेरे भगवान का इनाम था, कैसा लगा? इसकी मौत मेरे देवता के हाथ हुई होगी। ए चल। देख क्या चल रहा है, जा चल। चलो। यही कुआं है सर, पानी के अंदर से भाला आया था। इंस्पेक्टर की शामत आई है, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। हालात को देखते हुए लग रहा है कि अब हमारी मदद ईश्वर ही कर सकता है। कौन ईश्वर? ये सब क्या है? शमशान में काम करता है वो, लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन कुछ लोग मंत्रवादी कहते हैं, लेकिन हमारे काम का आदमी है वो। एक मिनट सर। ओके सर, मैं अभी आता हूं। ओके, एसीपी ने बुलाया है, मैं ऑफिस जाकर के आता हूं। तुम इसे साथ ले जाओ और उससे मिलो, बाकी मुझे फोन पे बताना। ठीक है। आ जा। कहाँ लेकर आ गए? कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है। ईश्वर तू है भैया? आप कौन मर गया है? वो बात नहीं है, मामला कुछ और है।
इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं हम। खाल उतार के प्रतीक्षा करनी होगी। खाल उतार प्रतीक्षा मतलब? जो तुम कह रहे हो वो सच है तो इस फरसे को पकड़ने पर भी तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा। अगर बात झूठी है तो हाथ जल जाएगा। अब जो मंत्र मैं पढ़ूंगा वो सिर्फ तभी काम करेगा। पकड़ो। रात को 1 बजे आम के बगीचे में आ जाना। क्यों काट दिया तुमने? 203 साल पहले जीवित एक महावीर से मिलने वाले हो। उसके लिए रक्तदान देना होगा, तभी वो हमें नहीं मारेंगे। खून की भेंट चढ़ाओ। आज से 203 साल पहले एयरकट के सरदार मेरे दादा के दादा तांडव तलवार चलाने में माहिर थे। उनकी इस कला को देखकर राजा ने उन्हें सेनापति बना दिया। उसी समय उनके राज्य में एक सांप्रदायिक समस्या पैदा हो गई। शिव विष्णु और ब्रह्मा की पूजा हो और अन्य वन देवताओं की पूजा ना हो ऐसा आदेश जारी किया गया। मेरे दादा तांडव जी ने वन देवताओं की पूजा करने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज राजा ने मेरे दादा की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके 8 दिशाओं में दफनाने का आदेश दिया। मेरे दादा के एक विश्वस्त सिपाही ने उनके दांत बाल तलवार और अंगूठी उसने उसे छिपा कर कहीं और रख दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने वो सब मुझे सौंप दिया। कई पीढ़ियों से हमने उसे सुरक्षित रखा हुआ है। जिस वन देवता के कारण मेरे दादाजी की हत्या हुई उसे खत्म करने के लिए दादाजी फिर से आएंगे। आओ, उठ करो तांडव, उठ करो तांडव, उठ करो तांडव, उठ करो तांडव। काले है डमरू की आवाज। अभी जा दिल टहल रहा चल रहा जैसे कोई तलवार। अभी जा तांडव का घर है। इस लड़के को यहीं छिपाना होगा। तांडव उसकी रक्षा करेंगे। उनकी मर्जी के बिना वन देवता कुछ नहीं कर सकते। इस लड़के को कल सुबह तुम यहाँ पर जिंदा पाओगे। Thank you.
तारा। बोलो गुप्ता। हमने जैसा सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। तुम भी कल सुबह तक यहाँ आ जाओ, ठीक है? ठीक है गुप्ता। गुप्ता जी, क्या धारा? मैंने तुम्हें सुबह आने के लिए कहा था। सुबह तो हो गई। सुबह हो गई? तुम दोनों को क्या हो गया? ये सब क्या है? वो अपराधी कहाँ है? ए, कहाँ है? मेरे दादा तांडव ने उसे बचा लिया होगा। वो लड़का वहां सुरक्षित होगा। आओ चलो चलो। ए, तुम्हारे ऊपर जो भभूत लगी वो यहाँ भी पड़ी है। ए, रात तांडो जहाँ बैठा था वो जगह ऐसी हो गई है। रात को जागकर दिन में सोते हैं, काम पूरा होगा। वो लड़का कहाँ गया? ए, वो लड़का कहाँ गया? वो अपराधी कहाँ है? 203 साल पहले का वीर किसी से हार नहीं सकता। वो लड़का यहीं कहीं होगा, मैं उसे ढूंढता हूं। चलो। ए, रुक तो जरा। ये तलवार, चाकू, लकड़ी का संदूक, ये सब क्या है? नहीं पता। दारा, इसी ने कहा था कि अपने दादा तांडो की मदद से उस लड़के को बचा लेगा, इसलिए इसी ने ये सब किया था। फिर? मेरे दादा को वन देवता ने खत्म कर दिया। वन देवता जीत गए। हे, लड़का कहाँ है? मुझे नहीं पता। गुप्ता जी, मुझे नहीं पता। अरे बेवकूफ हो, तंत्र मंत्र पर भरोसा करके उस अपराधी को भगा दिया। अब मैं डिपार्टमेंट को क्या जवाब दूंगा? तुम दोनों में से किसी को पता है कि लड़का कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं क्या? ए पुजारी, आप समझ में आए इन सब का कारण तू है? इन लोगों के सोने के बाद तू उस लड़के को उठा करके ले गया है। कहाँ है वो? मारो, अरेस्ट कर लो, चाहो तो जान से मार दो, लेकिन मेरा हाथ है ये मत कहना, ये मेरे प्रभु की लीला है। शमशान की भस्म है, मेरे प्रभु की हाथ की भस्म है, हर रोग को मिटा देती है। ये लोग मेरे प्रभु के भस्म से बेहोश हो गए। तांडव प्रभु के पास चला गया, वन देवता अपनी बलि के साथ वन चले गए।
ए, जाकर अपना काम करो। ए पुजारी, मैं उन तीनों को जिंदा वापस लेकर जाऊंगा, उसके बाद तुझे देख लूंगा। तुझे हर दिन पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी लगानी होगी, समझ गया? जरूर, लेकिन तुम उन तीनों को जिंदा नहीं लाए तो तुम्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर वन देवता को नहलाने के लिए हर रोज 10 घड़े पानी लाना होगा, मंजूर है? देखता हूँ तुम चाय लाते हो या मैं पानी उठाता हूँ, ठीक है ना? देखते हैं क्या होता है। वन देवता अपनी बलि के साथ वन चले गए। भैया, मेरे गुरुजी जानते हैं कि वन देवता को कैसे जीत सकते हैं, चलिए। दारा, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आज हो जाए दो दो हाथ। आप आइए भैया। कहा था कि वन में ले गया होगा, मैं अपने दोस्त फॉरेस्ट ऑफिसर कविता से बात करता हूँ। हेलो कविता। बोलो दारा। तुम कहाँ हो? यही ऑफिस में। अभी मिल सकता हूँ? आ जाओ। मैं आता हूँ। अरे तुम आ गए, बताओ कैसे हो? हाँ अच्छा हूँ। किसी भी तरह उन तीनों को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। ए, मुझ पे हंस रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? वन देवता प्रतीक्षा बलि उठा कर ले गया, क्या रात को ठीक से सोए नहीं? पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन ये सब सच है और वो शक्ति इसी जंगल में गई है। इन तीनों को किसी भी तरह ढूंढना होगा, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है। वैसे शेर हमेशा घने जंगलों में रहते हैं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। जंगलों में कितने शेर हैं इसकी गणना करने के लिए हम एक नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगल में जहाँ तहाँ पेड़ों पर ऑटोमेटिक कैमरा फिक्स किए हुए हैं, शेर जब उस पेड़ के पास से गुजरता है तो उसकी तस्वीर उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। तुम जैसा कह रहे हो, अगर उसी तरह वो इस जंगल में आए होंगे तो उनकी भी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी। चलो चल कर देखते हैं। दारा, यही फॉरेस्ट के कैमरास की फुटेज है। दारा, तुम तो कह रहे थे कि जंगल में वन देवता घुस गए हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। कविता, तुम इसे कंटिन्यू रखो प्लीज। रुको रुको रुको, पीछे आओ, पीछे। स्टॉप, वहां देखो। मैंने कहा था ना, उस वन देवता के पैर। कविता, अब क्या करें? दारा, एक मिनट रुको। दारा, चलो चलते हैं। ये तीनों डॉगीज कोई आम डॉगीज नहीं है, ये इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। इस जंगल में अगर कोई भी नया इंसान आता है तो उनकी खुशबू इन्हें पता चल जाती है। अगर तुम जैसा कह रहे हो वो वन देवता इसी जंगल में है, तो 1 घंटे में ये उसे ढूंढ लेंगे।
मणि, बाबू, मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। ये सब क्या है? हाँ? चलो। ईश्वर, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तू जाकर अपने गुरु से मिला। ठीक है भैया। स्वामी, अरे तू वन देवता से हार करके आया है? हाँ स्वामी जी। वन देवता की बलि लेने के लिए स्वामी उसकी सीमा में 41 दिन पहले से ना किसी लाश को जलाया या दफनाया जाए, ऐसा होने से वो एक साल बाद ही बलि लेता है। अब एक ऐसी लाश ढूंढ जिसे मरे हुए बस एक ही दिन हुआ हो। वन देवता की सीमा की तरफ ऐसा करेगा तो तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन उसकी बलि को तुम्हारे रोकने से पहले वो तुम्हारी बलि ले लेगा। सावधान रहना, इस अवसर को तू कभी भी मत गंवाना, जिससे तेरी शक्तियों पर और ताकत मिले। जंगल में अगर किसी जानवर को देखना हो या उसे पकड़ना हो तो नदी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि सभी जानवर वहां आते हैं पानी पीने के लिए। उसके पैरों के निशान का पीछा करते हुए गए तो उसका पता लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह जंगल में कोई नया इंसान भी आता है तो इस नहर के पीछे जाने से नदी तक पहुंच सकता है। तो फिर ये कल रात की बरसात से बना नाला है। जानवर हमेशा एक ही जगह पानी पीने के लिए आते हैं। मेरे ख्याल से हमें वहां देखना चाहिए।
वही पैरों के निशान हैं। हम यहाँ क्यों आए? एक मिनट रुको। यहाँ से शिकारियों को देख सकते हैं। यहाँ खड़े रहकर इस पूरे जंगल पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। शेर और चीते द्वारा छोड़े हुए मांस को खाने के लिए गिद्ध हमेशा तैयार रहते हैं। अगर वो एक ही जगह पर चक्कर लगाते हैं, मतलब वहाँ या तो कोई जानवर या इंसान का शरीर पड़ा हुआ है। वहाँ देखो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस डायरेक्शन में 800 मीटर की दूरी पर वो लड़के हमें जिंदा या मुर्दा मिल जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे। चलो। मुझे ऐसे किसने बांधा है? अप्पू और अमावस कहाँ गए? अप्पू अमावस, अप्पू अमावस, अमावस! ए अप्पू, अप्पू कहाँ हो? ए अप्पू, ए कैसे गधे की तरह सो रहे हो? उठो ए अप्पू, उठो!
देखो क्या हाल हो गया। सोने भी नहीं दे रहा है। जल्दी खोलो। हम यहाँ कैसे आ गए? अरे वो सब छोड़ो, खोलो पहले। अमावस कहाँ है? तो हम लोग यहाँ कैसे आ गए? अमावस कहाँ है? मुझे भी तो उसे ढूंढना है। अमावस, ए अमावस, 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 ए अमावस, अमावस, ए अमावस, अमावस, ए वो देख अमावस है क्या? ए अमावस, ए अमावस, क्या कर रहा है? अभी उठेगा देख। ए अमावस देख, क्वार्टर लेकर आए, उठ जा। क्वार्टर कहाँ है यार? देखा कैसे उठा? चलो उठ जा जल्दी से। अरे हम लोग कहाँ पर हैं यार? मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, पहले यहाँ। अच्छा तू यहाँ कब आया? मामा के घर पर जो पीकर बेहोश हुए थे उसके बाद अभी होश आया यार। और अमावस तू? उस रात बेहोश हुए तो उसके बाद कुछ याद नहीं है। वैसे क्वार्टर कहाँ है? चुप। हमने ना पीने की कसम खाई थी उसके बाद भी हमने पी ली ना, इसीलिए बंदे तो हमें यहाँ बांध के रखे हैं। ए कुछ करना यार, खोलना इसे। ए दांत से काटते हैं। अप्पू अमावस, ए जल्दी करो। ए, चल थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सेंदिल, ए अमावस, तुमने तो कहा था बॉडी होगी, यहां तो पत्थर ही है। ये अपने ही आदमी है। गुप्ता ये सब क्या है? लाश कहां लेके घूम रहे हो? ईश्वर अगले एक साल तक आप इस जंगल में उस देवता को और तीनों लड़कों को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वो ऐसा तंत्र मंत्र करता है, सच झूठ का कुछ पता नहीं चलता। वन देवता के किसी की भी बलि लेने से 41 दिन पहले तक किसी की भी लाश को उसकी सीमा में जलने दफनाने से वो अगले एक साल तक वो किसी की भी बलि नहीं ले सकता है। इसलिए उन लड़कों को बचाने के लिए हम इस लाश को लेके आए हैं। इसे जलाकर लड़कों को बचा लेंगे। कोशिश करके देखते हैं। चलो
ये तो वन देवता का मंदिर है। हमारे काम खत्म, वन देवता हमें यहाँ उठा कर लाए। वन देवता? हाँ, वन देवता बाकी भगवानों की तरह शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी है, गुस्से वाले भगवान है और उन्हें जिंदा बलि बहुत पसंद है। हर साल चैत्र के महीने के आखिरी मंगलवार को भगवान का उत्सव होता है। भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके प्राणों की रक्षा करें और वो बकरी मुर्गा आदि की बलि चढ़ाते हैं। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा मचान बांधकर उस पर बकरी और जानवर बलि के लिए बांधते हैं। देवता शिकार से लौटने के बाद मचान पर बांधे हुए जानवरों को दिल से चीर कर बलि देकर खून पीते हैं। हमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की ना, इसलिए अब भगवान हमारा खून पीने वाले हैं। हे भगवान बचाओ, हमें बचाओ भगवान, हमें माफ कर दो। हे भगवान हमें बचाओ, हमें माफ कर दो। वन देवता शमशान पूजा करने के लिए आ रहा है। अगर हम वहां गए तो वो हमें मार देगा। पूजा खत्म करके जब तक जाता नहीं, हमें कहीं छिपना होगा। देखिए वहां एक घर दिख रहा है, चलिए। चलिए जल्दी चलिए। अंधेरा कीजिए, मशाल बुझाओ, मशाल बुझाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अचानक लाइट कैसे चल गई? दारा! भैया ने नहीं मारा होगा, इसके पास ही चाकू है, इसने ही मारा होगा। ये मंत्रवादी है, नरबलि देने वाला, दारा को इसी ने मारा है। तूने ही दारा को मारा है, मैं जानती हूँ। नहीं, मैंने नहीं मारा। तुमने मारा होगा इसे। तुमने मारा है ना? नहीं, मैंने नहीं मारा। तुमने मारा है? मैंने नहीं मारा। बताओ। मैंने नहीं मारा। बताओ। नहीं, मैंने नहीं मारा। सच नहीं बताया तो तुम दोनों को मार दूंगा मैं। तूने इसे भी मार दिया? इन्हें ना मैंने मारा है ना तुमने मारा है, ये सब वन देवता का काम है। जो उससे नफरत करते हैं तो वो बदला लेता है, उसका विरोध करने वालों को वो उसी तरह उनको एक जगह पर लाता है, उसके बाद उनमें फूट डाल के उसके बाद वो सब आपस में लड़ के मर जाएं, ऐसे हालात पैदा करता है। ये काम उसी का है। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, तो इन लोगों की तरह मुझे नहीं मार सकता। अगर मेरे नजदीक आया तो जान से मार दूंगी। मुझे नहीं छोड़ूंगा। ये भी मर गया, मतलब ये सच कह रहा था, इन तीनों को मारने वाला वो वन देवता है। अगर मैं यहाँ रुकी तो वो मुझे भी मार देगा। Thank you.
अग्नि रूप में आया, अग्नि रूप में आया, अग्नि रूप में आया, आग की तरह वो आया, अग्नि रूप में आया, आग की तरह वो आया, अग्नि रूप में वो आया। मुझे मत मार दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। अपने वचन का पालन नहीं किया, इसलिए हमारे वन देवता ने उस मचान पर उन तीनों का वध कर दिया। आज के बाद से पियोगे? नहीं पियूंगा स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी नहीं पियूंगा। आज के बाद से पियोगे? बोल, वन देवता की कसम खाता हूँ, वन देवता की कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी नहीं पियूंगा, आज के बाद कभी नहीं पियूंगा। ये वचन है, ये मेरा वचन है। हे भगवान, हाथ बढ़ा। स्वामी जी, चल जा, चल उठ, जा, चल, चल बेटा, चलो, चल। बोल, वन देवता की कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा, आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। ये वचन है, ये वचन है मेरा। हाथ आगे बढ़ा। पिताजी, उन्होंने आपकी बात पर विश्वास कर लिया क्या? विश्वास कर लिया बेटा, लेकिन हर दिन वन देवता के सामने झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है। नहीं पिताजी, हमारे घर पर जो भी हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, किसी इंसान को कष्ट नहीं होना चाहिए। माँ, आ बेटा, ले आरती ले ले। इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे 200 रुपए दो। किस लिए? बैंक एग्जाम का फॉर्म लाना है, उसके लिए। बड़ा है एग्जाम लिखने वाला, शराब पीने के लिए मांग रहा है ना? जानती हो ना, तो दो पैसे, जल्दी दो। तू ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? पहले ही तेरी शराब के कारण हम लोग बेइज्जत हो गए हैं, अब फिर से तूने वही काम शुरू कर दिया। तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तेरा भाई हॉस्टल से घर नहीं आता, उसे देखे बिना मैं कितनी दुखी हूँ जानता है तू? तुझसे दुखी होने के लिए कौन कह रहा है, तू मर जाना, ला पैसे दे। अब तो सिर्फ ये मंगलसूत्र ही बचा है, मेरे मरने के बाद इसे भी बेच देना। नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। Oh, my God.
वचन तोड़कर पीने वालों को वन देवता ने मार दिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, झूठ है। शराब पीने के लिए पैसे न मिलने पर मेरे भाई ने माँ को मार दिया। जब मैं सदमे में था तभी पता चला कि नशे में लॉरी से टकराकर वो भी मर गया। मैं पूरी तरह टूट गया। जब मैं कॉलेज गया और अपने दोस्तों से बात कर रहा था तो पता चला कि शराब की लत के कारण उन लोगों को भी कई परेशानियां हैं। बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सी कहानियां सुनाई थी कि वन देवता गलती करने पर सजा देते हैं। मुझे लगा अगर इस डर और विश्वास को जगाया जाए तो लोग शराब पीना छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने खुद एक कहानी बनाई और इस कहानी में मैं खुद शराबी बन गया और साथ ही मेरे दोस्त अप्पू और अमावस को भी शराबी बना दिया। एक दोस्त को पुलिस और एक दोस्त को फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया। मरी हुई माँ को फिर से जिंदा करके इस कहानी में ले आया। पता चला तावीज बांधकर कई लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया तो मुझे तसल्ली मिली। गांव पूरी तरह सुधर जाए तो मुझे खुशी होगी। यकीनन ये होगा।